आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का बयान आया है, वो स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं। राहुल गांधी व अब्दुल्ला पाकिस्तान की कठपुतली की भूमिका में है। उनका मैनिफेस्टो चाहे लिखा कश्मीर के क्या होगा, छपा जम्मू कश्मीर में क्या होगा, लेकिन उसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई है। दुर्भाग्य है, ख्वाजा के बयान से स्पष्ट होता है कि ये दोनों दल पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये दोनों दल पाकिस्तान का एजेंडा उस समय चला रहे थे। पाकिस्तान भी कह रहा था कि कोई घटना नहीं हुई, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, और एनसी और कांग्रेस भी कह रही थी कोई घटना नहीं। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला दोनों अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो 370 और 35 के पाकिस्तान के एजेंडे को लागू करने की बात करता है। आतंकवादियों को छोड़ने की बात, जिससे स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर को एनसी व कांग्रेस वापस दहकते हुए शोलों पर फेंकना चाहती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद आतंकवाद जिंदा नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहूँगा, चाहे रक्षा मंत्री ख्वाजा हो या फारूक अब्दुल्ला, या मुफ्ती हो या राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर किसी भी सूरत में आतंकवाद के दौर में नहीं आएगा और नहीं आने दिया जाएगा। और 370 और 35 लाने का सपना केवल मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। सर फारूक अब्दुल्ला जी, ऐसा है कि कोई दिन में सपना ले तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये जो गठबंधन उन्होंने किया है, ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ये गठबंधन उन्होंने DDC चुनाव में भी किया था, जम्मू कश्मीर की 20 DDC में थे, केवल 5 DDC ही जीत पाया था गठबंधन, 15 पे सुपड़ा साफ हुआ था। जनता ने इनके गठबंधन को नकारा था। उस गठबंधन में कांग्रेस, NC, PDP, JKPC, AP सब थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। और यही इंजेक्शन अप्रैल 2024 में लगाया गया।